यूँ तो शादी का रिश्ता जन्मों जन्म का होता है। भारतीय समाज में तो एक बार जिसकी शादी जिसके साथ हो जाए उससे तो उम्र अलग नहीं होते हैं, लेकिन अब ये धारणा टूटती हुई नजर आ रही है। जी हाँ, अब शादी करने वाले दो लोग तब तक ही साथ रहना पसंद करते हैं जब तक उनके बीच तालमेल बैठा होता है। ये तालमेल जहाँ भी गड़बड़ाता है वहीं वो अलग होकर अपनी लाइफ अपने मन से जीने लगते हैं। कई रिश्ते तो ऐसे होते हैं जो शादी के कुछ महीने बाद ही टूट जाते हैं। हमारे समाज में किसी की शादी टूटना आज भी पाप सा माना जाता है, लेकिन बॉलीवुड की कुछ ऐसी अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने अपने साथ ये समझौता नहीं किया। जी हाँ, आज हम आपको बॉलीवुड की उन अभिनेत्रियों के बारे में बताने जा रहे हैं जिनकी पहली शादी टूट गई, लेकिन उन्होंने फिर से शादी पर भरोसा नहीं किया, यानी दोबारा शादी नहीं की बल्कि उनके एक्स पति ने शादी कर ली। यूँ तो मॉडर्न जमाना आ गया है और फिल्मों की दुनिया में पता नहीं क्या क्या होता है, लेकिन कुछ ऐसी बॉलीवुड की अभिनेत्रियां हैं जिन्होंने तलाक के बाद अकेले रहना ज्यादा सही समझा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी अभिनेत्रियां हैं जो अब अकेले रहती हैं। एक जेनिफर विगेंट टीवी सीरियल की जानी मानी अभिनेत्री और बॉलीवुड में भी अपनी किस्मत आजमा चुकी जेनिफर की मैरिड लाइफ कुछ खास नहीं रही। जी हाँ, जेनिफर ने करण ग्रोवर से शादी की थी, लेकिन इनका रिश्ता कुछ सालों में ही खत्म हो गया। दरअसल करण की लाइफ में बिपाशा की एंट्री हुई और फिर करण ने जेनिफर को तलाक देकर बिपाशा से शादी कर ली, लेकिन जेनिफर ने दोबारा शादी न करने का फैसला ले लिया। दो, रीना दत्ता। आमिर ने अपने बचपन के प्यार रीना दत्ता से पहले शादी की थी। जी हाँ, दोनों का यह रिश्ता 16 सालों तक चला, लेकिन आखिर में दोनों के बीच किसी बात को लेकर मनमुटाव हो गया और फिर दोनों अलग हो गए। रीना से अलग होने के बाद आमिर खान ने किरण राव से शादी कर ली, लेकिन रीना ने अब तक शादी नहीं की क्योंकि उन्हें शायद अब शादी जैसे रिश्ते पर भरोसा ही नहीं रहा हो। तीन, पूजा बेदी। पूजा और फरहान फर्नीचर वाला एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे और दोनों ने वर्ष 1994 में शादी कर ली थी। इन्हें देखकर यही लगता था कि ये दोनों काफी अच्छे कपल है, लेकिन कभी भी किसी के बीच कुछ भी समस्या हो सकती है। शादी के इतने सालों के बाद दोनों ने अलग होने का फैसला किया, जिसके बाद फरहान ने तो दूसरी शादी कर ली, लेकिन पूजा आज भी अकेले रहना पसंद करती है। चार, करिश्मा कपूर। करिश्मा कपूर बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री है, लेकिन इनकी मैरिड लाइफ काफी अच्छी नहीं रही। जी हाँ, करिश्मा और संजय कपूर की शादी काफी धूमधाम से की गई थी, लेकिन ये रिश्ता आखिर टूट गया। बता दें कि इन दोनों के दो बच्चे भी हैं, लेकिन कुछ निजी मामलों की वजह से दोनों के बीच तलाक हो गया, जिसके बाद संजय कपूर ने अपनी गर्लफ्रेंड प्रिया सचदेव से शादी कर ली, पर करिश्मा अभी भी अकेली है। पाँच, अमृता सिंह। सैफ अली खान और अमृता सिंह की शादी उम्र के अंतर काफी ज्यादा फर्क था, जिसकी वजह से ये रिश्ता एक समय के बाद टूट गया। अमृता से तलाक के बाद सैफ ने करीना के साथ शादी कर ली, लेकिन अभी भी अमृता अकेली अपने बच्चों की परवरिश करती हैं। इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। दोस्तों, आपको हमारे दोबारा बताई गई जानकारी पसंद आई हो यह इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक जुड़े रहिए हमारे साथ।